हेलो व्यूवर्स, मेरा आज का टॉपिक मनी प्लांट को छोटी सी बास्केट में लगा के उसको इंडोर रख के उसकी कैसे केयर की जाए कि हमारे जो मनी प्लांट्स के लीव्स हैं वो हरे भरे रहें और हमारा मनी प्लांट है जो वो बुशी बने, उसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने छोटी सी बास्केट में लगा के उसकी कैसे केयर की है और उसकी कैसे प्रेपरेशन की है। मैं यहीं से ही मनी प्लांट की कटिंग लूँगी और उसको मैं पॉट में लगा के आपको दिखाऊंगी। ये मैं कटिंग ले जाके इसकी बास्केट बनाऊंगी, फिर देखते हैं कि हमारे कितने समय के बाद उसकी मनी प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ बनती है और वो घना। अभी फ़िलहाल इसके लीव्स जो हैं मनी प्लांट के वो बहुत छोटे छोटे हैं, बट हम इसकी जब केयर करेंगे और इंडोर रखेंगे, क्योंकि गर्मी इस टाइम 51 के करीब हमारे यहाँ टेम्परेचर हो चुका है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि पत्ते कैसे झुलस जाते हैं। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको ये पत्ते कैसे झुलसे हुए हैं, तो इनकी भी मैं थोड़ी सी केयर करूँगी गोमूत्र का छिड़काव करके, तो मनी प्लांट्स हमारा बचेगा, अदरवाइज़ ये जल जाएगा इतनी तेज़ धूप में। तो इसके लिए सारी मैं आपको सभी टिप्स दूंगी कि हमारा मनी प्लांट बुशी और घना बने। फ्रेंड्स, इसमें मैं जो टोकरी बनाऊंगी पोट जो इंडोर रखने के लिए मनी प्लांट का, तो उसमें मैं लाइट वेट का सोयल का यूज़ करूंगी, उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। इसमें मैंने कोकोपीट प्रचुर मात्रा में लूँगी, ज़्यादा मात्रा में कोकोपीट, जैसे 50% मैं कोकोपीट और ये वर्मी कंपोस्ट, 10% ऑर्गेनिक खाद और 10% ही मैं लूँगी इसमें ये अपना काउडंक जो डीकम्पोस्ट हो चुका है, और इसमें मैं ओनली सैंड यूज़ करूँगी 10%। तो ये सारी चीज़ें हम मिक्स करके टोकरी में भर लेंगे और उसके बाद मैं लगाऊंगी मनी प्लांट और उसकी कैसे केयर करनी है और उसकी कैसे अपडेट देनी है 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं इसमें कोकोपीट की मात्रा ज़्यादा रखूंगी ताकि हमारी सॉयल जो है वो हल्की बने, और टोकरी में जो हमारी वो बास्केट बनानी है हमने वो ज़्यादा हैवी ना बने, इसलिए मैं इसकी क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही रखूँगी। ये फ्रेंड्स, ये देखेंगे कि मेरे पास जो सॉयल तैयार हो चुकी है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट की है, और ये मेरे पास बास्केट है, ये मेरे पास बास्केट और इसमें होल किया हुआ है ऑलरेडी, तो ये होल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे प्लांट्स के लिए एयर पास करने के लिए, और जो पानी हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है वो भी हमारा ड्रॉप बन के निकल जाता है। तो एक मैं इसमें थोड़ी सी ये गिल्ली ही है चाय की पत्ती जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया और इसका मीठा बिल्कुल निकाल दिया शुगर, और धो के इसको सुखाने की बजाय ये मैं इसको गीला ही यूज़ कर लूँगी, क्योंकि अब मैं नया पॉट बना रही हूँ। और अब मैं इसमें पॉट में ये सोयल भर दूँगी। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस टोकरी का जो बिल्कुल खाली है उसका वेट ये है, अब मैं दिखा रही हूँ आपको 250 ग्राम के करीब खाली टोकरी का वेट है, पर अब मैंने इसको सॉइल से भर दिया है तो इसका वेट बनेगा 1 किलो के करीब। तो ये हमारी इतनी सॉइल में भरने के बाद ये 700 ग्राम के करीब हमारी ये टोकरी बनी है, कितनी हल्के वेट में बनी है। इतनी अगर हम मिट्टी डालते हैं, सॉइल डालते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितनी हैवी हो सकती है टोकरी। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये सोचा कि मैं आपको दिखाऊं। अब मैं इसको इसमें मनी प्लांट लगाऊंगी,
ये हमारी बिल्कुल सॉफ्ट सॉयल बन चुकी है और हल्की। ये टहनी अब मैं लगाऊंगी। इस टहनी को हम 6-7 इंच के करीब काट लेंगे, क्योंकि तकरीबन 2-2.5 इंच के करीब ये हमारे पास सॉयल में चली जाएगी ऐसे करके। और नीचे से हम पत्ता निकाल देंगे। ये जो ये रूट बॉल बनी हुई है, इसी से हमारी रूट्स बननी शुरू हो जाएंगी। जैसे और भी मैंने काटी हुई है, वो सभी मैं इसमें लगा दूंगी। और एक पत्ते से भी आप ग्रो कर सकते हैं, तो उसको भी आप लगा दें। बस ध्यान ये रखना है कि हमारा पत्ता जो है वो सॉयल से टच ना करे। अगर वो सॉयल से टच करता है तो वो गल जाएगा। जब इसमें पानी डलेगा तो वो गल जाएगा। अभी मैं इसमें और लगाती हूँ। आपको आप जो ये फर्स्ट बार पानी दे रहे हैं मनी प्लांट को, तो बहुत अच्छी तरह से दें। बाकी अब ये शाम का टाइम है, तो इस टाइम पर आप अपने सभी प्लांट्स को पानी दें। मॉर्निंग में आप अवॉइड ही किया करें, खासकर इस गर्मी में। इस गर्मी में आप मॉर्निंग में पानी मत दें अपने प्लांट्स को, नहीं तो वो जल जाएंगे और उनमें जो ग्रोथ हो रही है वो तो रुकेगी रुकेगी, बट वो अपनी रूट्स को गर्म पानी दे के और वो उसको जला देंगे। तो अब हम इसकी अपडेट देखेंगे तकरीबन 15 डेज के बाद कि इसने क्या ग्रोथ की है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये मनी प्लांट्स की अपडेट दिखा रही हूँ। इसको लगाए हुए मेरे तकरीबन 30 दिन हो गए हैं और इसने बहुत अच्छी ग्रोथ की है। तो इसके लिए मैंने आपको सॉयल बता दी थी कि कौन सी सॉयल चाहिए। अब मैं आपको इसके फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊँगी कि इसको आपने, मैंने सॉयल में उस दिन दिखाया था कि मैंने सॉयल में चाय की पत्ती डाली थी। आप चाय की पत्ती का पानी दे सकते हैं, जैसे चाय की पत्ती की चाय बनाते हैं, तो चाय सूखी चाय भी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं इसमें 1 चम्मच के करीब। आप 22 या 15 दिन के बाद इसको 1 चम्मच के करीब डालें और इसकी चाय बना के डालें। एक मेरे पास ये बनाना पील, इसका पानी मैं ऑलरेडी बना के रखती हूँ एक बर्तन में, तो वो मैं सभी प्लांट्स में देती हूँ। ये बनाना पील का पानी है, इसको भी आप 15 दिन या 22 दिन के बाद अपने मनी प्लांट में डाल सकते हैं, तो आप देखेंगे कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। एक मैं आपको और फर्टिलाइज़र बताती हूँ, ये है किडनी बीन्स, जिसको राजमा बोलते हैं। इसका जो वेस्ट पानी होता है पहले हम भिगो देते हैं किचन में, तो उसके बाद बॉयल करते हैं, उससे पहले जो पानी होता है उसको भी आप इसमें प्लांट्स में डाल सकते हैं। और स्पेशली आप मनी प्लांट में डालेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी ग्रोथ और पत्तों की शाइनिंग बहुत अच्छी बनेगी। और एक इसी फर्टिलाइज़र में आप पेस्टिसाइड का काम करता है, वो है काओ यूरिन। काओ यूरिन अगर आप 1 ढक्कन के करीब एक बॉटल में डाल के आप इन प्लांट्स पे सुबह और शाम स्प्रे करते हैं, आप मनी प्लांट पे तो खास करके आप स्प्रे करते हैं, तो इसमें पत्तों की शाइनिंग भी बनती है और इनमें वाटरिंग भी हो जाती है। तो इसलिए सुबह शाम आप इस पे स्प्रे करें। काओ यूरिन की आप 10-15 दिन के बाद ले लें।
वैसे सादा पानी लें, सादे पानी से आप इसकी स्प्रे करें। पानी आप इतनी गर्मी है, सुबह और शाम दो टाइम पे इसको स्प्रे करके वाटरिंग करें। आपकी सॉइल होगी, फर्टिलाइज़र हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, और इसको एक शेडी एरिया में रखें, ज़्यादा डायरेक्ट धूप ना आने दें, नहीं तो हमारे पत्ते, इसके मनी प्लांट के पत्ते झुलस जाएंगे। तो उसके बाद जो ये बास्केट मैंने बनाई हुई है, इसको हम इंडोर रख सकते हैं, आउटडोर भी अगर आप रखते हैं तो उसको शेडी एरिया में रखें, ताकि इसके मनी प्लांट्स के जो पत्ते हैं वो झुलसने ना पाएँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो पूरी फुल देखें और देखें कि इसमें मैंने कौन सी सॉइल यूज़ की है, फर्टिलाइज़र और पानी मैंने कैसे यूज़ किया है। ये जड प्लांट, ये मैक्सिकन मिंट, तो इनमें आप सभी में आप टोकरी बास्केट में आप स्प्रे करके पानी देते रहें सुबह शाम। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स।